सबसे पहले तो मैं अरुण पाठक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, नंद डिया मिश्रा जी और ननंद मिश्रा जी को, कि उन्होंने अपने इस नायाब उपक्रम जो उन्होंने चालू किया है उसका श्री गणेश मेरे हाथों करवाया। आप मेरी हाइट बॉडी पे मत जाइए, हाइट बॉडी के हिसाब से हमारा कोनो रोल नहीं है, मतलब हीरो हीरोइन बनने का। अब देख रहे हैं यहाँ पे डिया मिश्रा जी हैं, नंदन जी हैं, अरुण भैया खुद हैं, लेकिन मेरा असली परिचय ये है कि मैं हिंदी शिक्षक हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी के पोते आदित्य ठाकरे को मैं हिंदी पढ़ा चुका हूँ। और इतना ही नहीं, फिल्म जगत से भी मेरा संपर्क है। बाहुबली की हीरोइन तमन्ना भाटिया भी मेरी शिष्या है और भूमि पेडनेकर भी मेरी शिष्याओं में से एक है। और मुझे पूरा यकीन है, इन्होंने जो संस्थान का नाम रखा काजल क्राफ्ट एंड विजन, बिहारी आदमी उत्तर प्रदेश का आदमी और उसके पास क्राफ्ट तो होता ही, विजन तो होता ही, तभी तो 2000 किलोमीटर दूर से यहाँ आके झंडे गाड़ लेता है। उन्होंने काजल पहले लगा दिया क्योंकि उनको मालूम है कि सफलता मिलने ही वाली है, किसी की नज़र न लगे। और मैं उन महान लोगों को मानता हूँ कि जिन्होंने एक बिहारी को भी ठग लिया, ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, सरकार किसी की भी हो, जमीन पे सत्ता शिवसेना की ही रहती है मुंबई में। अब तो सरकार भी हमारी है और सत्ता तो खैर हमारी है ही है, आपको कोई ठगने नहीं पाएगा। यहाँ पे किसी प्रकार से शासन प्रशासन से कोई भी तरह की आपको शिकायत नहीं मिलने पाएगी। कोई शिकायत हो तो हम हैं, शिवसेना पार्टी आपके साथ है, आप खुद शिवसेना के उम्मीदवार भी रह चुके हैं बेतिया से, है ना, विधानसभा से, तो निश्चित तौर पे आपके साथ पार्टी भी रहेगी। और यह बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है कि उत्तर प्रदेश बिहार के जो कलाकार आएंगे, यहाँ शोषण का शिकार होंगे या दर दर भटकते हैं, उनको एक मंच एक प्लेटफॉर्म देने का बहुत ही नायाब उपक्रम इन्होंने किया है। मैं उनके लिए साधुवाद देता हूँ और आप सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आप इस तरह से प्रचार ऐसा कीजिए कि चारों तरफ इनकी धूम मचे और जो काजल लगाया है वो वाकई सार्थक हो जाए उसमें।